चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 19, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। ऑन 1/7/2017 पारस फार्मा लिमिटेड इश्यू 20,009% डिबेंचर ऑफ 400 ईच टू बी रिडीम आफ्टर 7 एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। तो इतना पढ़ के हमें वो समझ में आ गया कि हमें लॉस का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, और आप बोलोगे सर प्रीमियम जो रिडम्पशन प्रीमियम है वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चा, तो इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह आगे। एज पर द कंडीशन ऑफ प्रोस्पेक्टर अमाउंट इज टू बी पेएबल एप्लीकेशन 125 एंड द बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह कुछ दिया हुआ है। 20,000 उन्होंने बोला हुआ है, वो सही है। जो रिडीम करना है वो कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर रिडीम करना है, इश्यू प्राइस आप बोलोगे सर 400 है, और रिडम्पशन है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 400 इंटू 12% से करना है। मतलब आप बोलोगे सर 400 इंटू 12%, तो 400 प्लस 448, यहां तक हमें सब में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इश्यू किया गया है वो लिखते हैं सबसे। इसमें बोला गया है बच्चा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हमें सिर्फ इश्यू की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है डेट में 1/7, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन 1/7/2017 है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और लिखा जाएगा यहाँ पे कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर ये बैंक अकाउंट तो डेबिट हुआ लेकिन जो डिबेंचर है वो 9% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जो डिबेंचर है वो कितने हैं। दो चीज लिखना बच्चा हमारा बाकी रह गया, वो खत्म कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो 20,000, एक बात। दूसरी बात आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एप्लीकेशन में पैसे मिलने वाले हैं 125, टोटल आप बोलोगे सर हमें जो लेना है वो कितना है 400, तो आप बोलोगे सर 400 माइनस 125 तो वो अलॉटमेंट में चले जाएंगे 275। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप बोलोगे रिडम्पशन वापिस देने के वक्त 448 रुपीज हमें वापिस देने हैं, तो यहाँ पे तो पहली एंट्री लिखेंगे, यहाँ पे आप जैसे लिखोगे उसमें मल्टीप्लाई कितने से होगा, तो 125 और दूसरा होगा यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 into 125 तो कितना होगा 25 लाख। बाद में बच्चा हम जाएंगे 9% डिबेंचर जो है डिबेंचर एप्लीकेशन, उनको ट्रांसफर कर देंगे 9% डिबेंचर में। आप बोलोगे सर अमाउंट होगी 25 लाख ही होगा क्योंकि कोई एक्सेस मनी है नहीं, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन खत्म हुआ तो अलॉटमेंट की बारी, तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट। आप बोलोगे सर इतना लिख दिया, उसके बाद जो लिखना है 9% डिबेंचर अकाउंट। आप बोलोगे सर इसमें एक एंट्री और ध्यान में रखना है, क्या लिखना है, लॉस इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसके साथ बच्चा हमारा मेन पॉइंट तो हो गया। यहाँ पे ध्यान में रखना है जो एक्सेस जो हम 400 से ज्यादा देने वाले हैं 48 रुपीस, वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 48, यहाँ पे 20,000, सेम वे यहाँ पे 20,000 इंटू 48, तो आप बोलोगे सर लिखो 20,000 इंटू 48 960,000, और यहाँ पे भी 960,000, वो क्लियर। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 20,000 इंटू आपको कितने पैसे लेने हैं यहाँ पे, तो 275 एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में 275, और वही अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर में,
20,000 इंटू 275 तो आप बोलोगे 55 लाख, और यहाँ पे 55 लाख। जैसे ये होगा उसके बाद हम सीधे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और आप लिखोगे 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आएगा 55 लाख। आई होप बच्चे आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। थोड़ा शांति से प्रॉपर कैलकुलेशन पार्ट क्लियर कर लेना तो आपको डाउट नहीं आएगा। बस तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।